क्या हुआ, तुम ऐसे उठ के क्यों आ गए? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? मिस्टर साहब, आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। पहली नजर में तुम्हें देखते साथ तुमसे मोहब्बत हो गई थी मुझे। गाड़ी का दरवाजा खोलते साथ जो तुमने फूल थमा दिए थे ना मुझे, आज तक जब गहरी सांस भरता हूं तो अपने सीने में उनकी खुशबू उतरती हुई महसूस करता हूं। कैसे ना अपना था तुम? वो फूल आपके लिए नहीं थे ना, तो आप ये भी समझ रहे थे कि मैं आपके लिए नहीं बनी। क्यों आपने मुझ जैसी लड़की को अपनाया? डोंट स्पीक फॉर मी दुआ। मैं आज तक बहुत मुतमईन और बहुत खुश हूं अपने इस फैसले से कि मैंने तुम्हें अपनाया। मुझे अपनाने से पहले आपने बहुत से वादे किए थे मुझसे। मेरी स्टडीज मुकम्मल होने का इंतजार करेंगे, मुझे अमेरिका जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। आपको इबादत का शौक नहीं है, लेकिन आप कभी मेरे और मेरी इबादत के दरमियान नहीं आएंगे। आप मुझे मिल गए, मैं आपको मिल गई, कहां गए वो सारे वादे? दुआ, निशान, लेट मी मेक एवरीथिंग वेरी क्लियर टू यू। जैसे तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी बन गई थी ना, उसी तरह अब अमेरिका जाना भी मेरी मजबूरी है। वहां पे कुछ ऐसे काम मेरे बगैर रुके हुए हैं जिनके लिए मुझे वहां पे जाना बहुत जरूरी है। और तुमसे शादी करने के बाद मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बगैर दिन को रात और रात से दिन नहीं कर सकता।